हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम बे। छठी वीडियो में आपका स्वागत है। पहली पांच वीडियो में हमने सारा इंट्रोडक्शन पढ़ा, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स के बारे में पढ़ा। इसमें हम पढ़ेंगे एक्वेटिक इकोसिस्टम्स के बारे में। तो एक्वेटिक इकोसिस्टम्स जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं मेनली। एक तो फ्रेश वाटर हो गए, एक मरीन वाटर है, एक ब्रैकिश वाटर। ठीक है, तो हमने सैलिनिटी के हिसाब से पढ़ा था। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में आपको पता है वाटर फ्रेश होता है, जो सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन होती है, सैलिनिटी होती है, वो 5 parts per 1000 या कई बार 5 parts per million भी ले लिए जाते हैं। उसका एक बैरोमीटर अलग होता है, कैलकुलेट करने का तरीका अलग होता है। 5 ppm भी हम लिख सकते हैं इसमें। ठीक है, लेक्स, पॉन्ड्स, रिवर्स, स्ट्रीम्स और स्प्रिंग्स, ये हमारे फ्रेश वाटर इकोसिस्टम हो गए। मरीन वाटर इकोसिस्टम में सॉल्ट कंसंट्रेशन इक्वल टू और मोर देन 35 ppt होती है। शैलो सी और ओशन वाले जो होते हैं वो मरीन वाटर हो गए, आपको पता ही है मरीन की डेफिनेशन। और ब्रैकिश वाटर हो गए जो एस्टुअरीज, मैंग्रोव्स, स्वाम्प्स वगैरह ये सब चीजें हो गई, मार्शलैंड वगैरह हो गए, जिसमें ब्रैकिश वाटर होता है, जिनका सॉल्ट कंटेंट बीच का होता है एक तरीके से। सनलाइट एंड ऑक्सीजन आर टू इंपॉर्टेंट लिमिटिंग फैक्टर्स फॉर एक्वेटिक इकोसिस्टम। ठीक है, सनलाइट और ऑक्सीजन, सैलिनिटी और वाटर ऑल्सो डिटरमाइन। हमने देखा सैलिनिटी ऑफ वाटर के बेसिस पे ही ये तीन हमने डिटरमाइन करे। और सनलाइट और ऑक्सीजन क्यों होता है, क्योंकि सनलाइट जो होती है किसी भी एक्वेटिक इकोसिस्टम की ट्रांसपेरेंसी से या वाटर की, उससे पता लगता है कि सनलाइट उसमें कहां तक नीचे तक पेनिट्रेट करेगी। ठीक है, जहां तक सनलाइट पेनिट्रेट करेगी वहीं पे जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स या एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, वहीं तक वो जिंदा रह पाएंगे क्योंकि फोटोसिंथेसिस हो पाएगा, और ऑक्सीजन भी वो वहीं तक रिलीज कर पाएंगे। तो उसी के बेसिस पे ये एक्वेटिक इकोसिस्टम को डिस्टिंग्विश किया जाता है। सनलाइट इंटेंसिटी डिक्रीजेस विद द डेप्थ। ठीक है, अब इसमें दो जोन्स होते हैं, एक तो फोटिक जोन होता है और एक फोटिक जोन होता है। सो फोटिक जोन ऑब्वियसली जहां तक सनलाइट पहुंचेगी यहां पे फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन होता है, और ए फोटिक जोन जहां पे सनलाइट नहीं पहुंचती, ओनली रेस्पिरेशन करते हैं जो समुद्र के जो जीव जंतु होते हैं, फिशेज वगैरह। इफ द वाटर इज मोर ट्रांसपेरेंट सनलाइट पेनिट्रेट्स अप टू मोर डेप्थ, सिंपल। ऑक्सीजन ऑल्सो कॉल्ड डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन एन एक्वेटिक इकोसिस्टम, ऑक्सीजन एंटर्स थ्रू एयर वाटर इंटरफेस, जो भी हमारे इंटरफेस होता है, जो बेसिकली आप कह सकते हो ऊपर हमें लेक का दिखता है या किसी भी जगह का दिखता है, वहां से ऑक्सीजन जाता है थ्रू फोटोसिंथेसिस ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स। ऑक्सीजन एस्केप्स थ्रू वाटर एयर इंटरफेस एंड रेस्पिरेशन, यहां से रिलीज होता है या एस्केप होता है। तो एक्वेटिक इकोसिस्टम भी एक तरीके से ऑक्सीजन हमें प्रदान करते हैं और हम उन्हें भी डैमेज कर रहे हैं। ठीक है, वार्मर वाटर हैज लेसर अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन, तो टेम्परेचर अगर ज्यादा होगा, वार्मर वाटर होगा तो वहां पे डिजॉल्व ऑक्सीजन कम होगा, कामर वाटर होगा तो वहां पे ज्यादा होगा। इट अफेक्ट्स एक्वेटिक इकोसिस्टम नेगेटिवली, जो आजकल हो रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से। एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैव लेस टेम्परेचर टॉलरेंस लिमिट देन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स एंड ह्यूमंस, ये आपको याद रखना है। ठीक है, फिर यूट्रोफिकेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो समस्या हमारे देश में और ग्लोबली भी देखी जा रही है। डिग्रेडेशन ऑफ लेक्स बिकॉज ऑफ एडिशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स ऑफ फॉस्फेट्स एंड नाइट्रेट्स फ्रॉम फर्टिलाइजर्स एंड एग्रीकल्चर वाटर डिस्चार्ज। ठीक है, फर्टिलाइजर्स हो गए, एग्रीकल्चर वाटर डिस्चार्ज हो गया, इवन इंडस्ट्रियल वाटर डिस्चार्ज से भी होता है ये, और हाउस होल्ड जो हमारे जो वेस्ट वगैरह होते हैं उनके थ्रू भी होता है, क्योंकि वहां में भी सब्जियां वब्जियां ये सब चीजें सब इसमें जाती हैं, उनमें भी कहीं ना कहीं ये आयंस होते हैं, इस वजह से यूट्रोफिकेशन हो जाता है। डिग्रेडेशन में होता क्या है कि अब ये जो डिग्रेडेशन होता है इससे ग्रीन आलगे ऑन द लेक ग्रो हो जाते हैं, ऑन द सरफेस पे ग्रीन आलगे हो जाते हैं। आप देखते होंगे कई जगह एकदम हरा हरा आपको दिखेगा पॉन्ड में या लेक में, उससे क्या होगा, सनलाइट को ब्लॉक कर लेंगे। अगर सनलाइट ब्लॉक हो जाएगी तो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस अंदर होना बंद हो जाएगा फाइटोप्लैंक्टन्स वगैरह के लिए, राइट। तो उससे अफेक्ट क्या पड़ेगा, ऑक्सीजन नहीं निकलेगा, एक तो उन्हें नहीं मिल रहा फोटोसिंथेसिस तो वो मर जाएंगे, फिर ऑक्सीजन डिजॉल्व ऑक्सीजन इवेंचुअली कम होता जाएगा तो जीव जंतु मर जाएंगे, पूरा इकोसिस्टम डेड हो जाएगा। दिस अफेक्ट्स ऑर्गेनिजम्स ऑफ लेक, डिजॉल्व ऑक्सीजन डिक्रीजेस, डिवाइड ऑफ ऑक्सीजन एनओसीएस सिचुएशन को कहते हैं, एक्वेटिक इकोसिस्टम में होता है। फोटोसिंथेसिस डिक्रीजेस इनसाइड द लेक, सो रेस्पिरेशन ऑल्सो इम्पीड। फिर आलगल ब्लूम सरफेस पे, हमारे आलगल ब्लूम हो जाते हैं ये सारे, इन्हें ही आलगल ब्लूम कहते हैं, बहुत बड़ी समस्या है आलगल ब्लूम। ऑन द सर्फेस रेस्ट्रिक्ट सनलाइट टू रीच इनसाइड द लेक, ऑल द डिजॉल्व ऑक्सीजन टेकन बाय दिस आलगे। ठीक है, ये देखो ये मैंने दिखा रखा है, ये सारा आलगल ब्लूम है, सब हरा हरा, अंदर कुछ नहीं जा रहा है इसमें, और ये आपका एक मॉडल है, इसे भी आप देख सकते हो समझ सकते हो। यूट्रोफिकेशन कन्वर्ट्स अ हेल्दी वाटर बॉडी इनटू स्वाम्प मार्श, पहले स्वाम्प मार्श, क्योंकि वो जो आलगल ब्लूम होगा वो भी धीरे धीरे मरेगा।
तो होगा क्या, जब वो मरेगा अंदर जाके वो डिपॉजिट होगा, तो सरफेस एक तरीके से पूरा अंदर कीचड़ कीचड़ धीरे 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 होती जाएगी, वो वैसे ही डेड होके सारा उसकी डेप्थ भी चली जाएगी, वाटर भी वैसा हो जाएगा, और धीरे धीरे वो स्वाम्प या मार्श मार्श में कन्वर्ट हो जाएगा, एक तरीके से कीचड़ से हम कहते हैं कीचड़ में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद आल्गल ब्लूम हो जाता है, रैपिड एंड अनकंट्रोल्ड इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ आल्गे इन लेक्स कोस्टल वाटर एंड पॉन्ड्स, बेसिकली रुके हुए पानी में ये बहुत ज्यादा होता है। एनवायरमेंट फेवर्स देयर ग्रोथ व्हेन न्यूट्रिएंट फॉस्फेट नाइट्रेट्स कंसंट्रेशन इंक्रीजेस। आल्गल ब्लूम्स आर फेवर्ड बाय वार्मर टेम्परेचर, ये वार्मर टेम्परेचर में भी थ्राइव करते हैं, उससे डिजॉल्व ऑक्सीजन और कम हो जाता है। मोस्ट ऑफ द आल्गे आर हार्मलेस टू एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म बट सम आर टॉक्सिक। तो जो आल्गे जो होते हैं ना, बेसिकली आप ये समझो आल्गे एक्वेटिक इकोसिस्टम का पार्ट है और होते ही होते हैं थोड़े बहुत, पर जब एकदम से बहुत ज्यादा इनडिस्क्रिमिनेट इम्बैलेंस हो जाता है तब आल्गल ब्लूम होता है, और कई आल्गे जो होते हैं वो हार्मफुल होते हैं, उन्हें हम HAB कहते हैं, हार्मफुल आल्गल ब्लूम। फॉलोइंग इज नीडेड फॉर आल्गल ब्लूम, एक तो ऑप्टिमम न्यूट्रिएंट कंसंट्रेशन जो फर्टिलाइजर्स वगैरह से बहुत मिल जाती है, ऑप्टिमम टेम्परेचर जो थोड़ा और वार्म होता है, ऑप्टिमम सैलिनिटी ऑफ वाटर, ठीक है, फ्रेश वाटर में ये बहुत ज्यादा होते हैं, सैलिनिटी ऑफ वाटर में उतना थोड़ा सा कम हो जाता है। आल्गल ब्लूम्स डिप्लीट ऑक्सीजन इन वाटर विच मीन्स लो डिजॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर, देयर डीकम्पोजिशन नीड्स अ लॉट ऑफ ऑक्सीजन एंड सो ऑक्सीजन डिप्लीटेड फॉर अनर, ये भी एक रीजन है, रीजन है। अ हार्मफुल आल्गल ब्लूम ऑकर्स टॉक्सिन प्रोड्यूसिंग आल्गे विच ग्रो एक्सेसिवली इन द वॉटर बॉडी, ठीक है। इसके बाद हम वेटलैंड इकोसिस्टम पढ़ लेते हैं। वेटलैंड इकोसिस्टम रामसर कन्वेंशन हमारा होता है वेटलैंड इकोसिस्टम का, ये डिफाइन करता है एक वेटलैंड को, एरिया ऑफ मार्श फैन पीटलैंड वाटर वेदर नेचुरल और आर्टिफिशियल, दोनों तरीके के आते हैं याद रखना है, परमानेंट और टेम्परेरी, विद वाटर दैट इज स्टैटिक और फ्लोइंग, फ्रेश ब्रैकिश और सॉल्ट, इंक्लूडिंग एरियाज ऑफ मरीन वाटर एंड डेप्थ, लो टाइस डज नॉट एक्सीड 6 मीटर। तो एक डेफिनेशन बेसिकली रामसर कन्वेंशन ने दी है वेटलैंड की। तो एक तो हो गई आपकी चलती फिरती रिवर नदी, ठीक है, एक हो गए आपके ओशंस, तो उनके बीच का जो होता है एक पानी की डेप्थ का भी उसमें क्राइटेरिया होता है, और भी कई सारे क्राइटेरिया होते हैं ना, वेटलैंड बनाया जाता है, वेटलैंड डिस्क्राइब कर दिया जाता है, वेटलैंड डिफाइन कर दिया जाता है, और रामसर कन्वेंशन में वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस कैटेगराइज होते हैं, उन्हें बनाया जाता है जिससे उनका फिर प्रिजर्वेशन होता है। वेटलैंड्स वाटर कैन ऑल्सो कम फ्रॉम नियर बाई रिवर और लेक, मोस्टली तो रुका हुआ पानी होता है। सी वाटर कैन ऑल्सो क्रिएट वेटलैंड्स स्पेशली इन कोस्टल एरियाज दैट एक्सपीरियंस स्ट्रॉन्ग टाइड्स, द डेप्थ ऑफ वेटलैंड वेरीज विथ सीजनल फ्लडिंग, वेटलैंड्स आर ट्रांजिशन जोन्स जैसे कि इकोटोन्स होते हैं, दे आर नीदरली टोटल ड्राई लैंड नॉट टोटल अंडर वाटर, ठीक है, एकदम नदी जैसे भी नहीं होंगे, बीच का उनका जो एटमोसफियर या एनवायरमेंट होता है या आपका इकोसिस्टम होता है वो बीच का होता है, ठीक है। प्लांट्स दैट लिव इन वेटलैंड्स आर यूनिकली अडेप्टेड टू देयर वाटरी हाइड्रिक सॉइल, वाटरी हाइड्रिक सॉइल बहुत ही सनी हुई सी सॉइल होती है, उसमें बहुत ज्यादा पानी का कॉन्टेंट होता है, तो उसके लिए अडेप्ट कर जाते हैं वहां के जो प्लांट्स होते हैं, वेटलैंड प्लांट्स आर कॉल्ड हाइड्रोफाइट्स, ये हमें याद रखना है। ऐसे ही वहां के एनिमल्स भी अडेप्ट कर जाते हैं, हाइड्रिक सॉइल्स वाटर लॉक टाइप की सॉइल्स होती हैं, ज्यादा ऑक्सीजन नहीं होता तो कम ऑक्सीजन में जिंदा रहने की उन्हें आदत पड़ जाती है। सम वेटलैंड्स आर फ्लडेड वेटलैंड्स फुल ऑफ ट्रीज, अदर आर फ्लैट वाटरी ग्रासलैंड्स, वेटलैंड टाइप्स में स्वाम्स आ गए, पीटलैंड्स स्लॉथ मार्शेस ये भी हो गए, वेटलैंड्स में आपकी देखो एस्टुअरीज भी आ सकती हैं, मैंग्रोव्स भी आ सकते हैं, ठीक है, कोई कई बार लेक्स का भी कुछ पार्ट आ जाता है, स्वाम्स तो मैंने देखा आ ही जाते हैं, हमने देखा कई बार आर्टिफिशियल जो डैम्स वगैरह बनाते हैं उनका भी कुछ पार्ट आ जाता है, वेटलैंड में कैटेगराइज उन्हें कर देते हैं। और वेटलैंड्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं हमारे पर्यावरण के लिए, क्योंकि ये ग्राउंड वाटर रिचार्ज करते हैं हमारा, ठीक है, वाटर को प्योरीफाई करते हैं, न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग, मिटिगेट्स फ्लडिंग, जब भी फ्लड आता है तो वाटर पहले उसमें वेटलैंड में अगर जाएगा तो वो एब्जॉर्ब करेगा पानी को, स्टोर करेगा, कंट्रोल सॉयल एंड वाटर इरोजन, सपोर्ट डायवर्सिटी, कंट्रोल टेम्परेचर, और हम लोगों को भी बहुत सारे इकोनॉमिक बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं जैसे फिशिंग वगैरह और ये सब जो चीज़ें होती हैं। प्रॉब्लम्स क्या है आजकल वेटलैंड्स की जिस वजह से हम इन्हें पढ़ रहे हैं, नियरली 30% ऑफ नेचुरल वेटलैंड्स इन इंडिया हैव बीन लॉस्ट इन 30 ईयर्स ड्यू टू इलीगल कंस्ट्रक्शन, ठीक है, क्योंकि अर्बन एरियाज में भी होते हैं, अनसस्टेनेबल अर्बनाइजेशन, एग्रीकल्चर पॉल्यूशन, रिमूवल ऑफ सैंड, एक्वाकल्चर जो फिशेज वगैरह की हम फार्मिंग करते हैं सी और
जो, और जो स्क्रैब्स और जो भी हम खाते हैं यार, शिम्स वगैरह, इन सब की फार्मिंग करते हैं। डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट, अनरेगुलेटेड टूरिज्म। तो आपने चेन्नई फ्लड्स के बारे में सुना होगा, आज से कुछ 7-8 साल पहले आए थे। वो इसी वजह से आए थे क्योंकि चेन्नई में एक टाइम पे बहुत सारी लेक्स और वेटलैंड्स हुआ करते थे। 90% उसमें से सब उन पे टेक पार्क और बिल्डिंग सोसाइटीज वगैरह बन गई हैं। ऐसे ही हाल बेंगलोर में हुआ है और भी सिटीज में, पर इन दो सिटीज में बहुत ज्यादा हुआ है। तो इस वजह से चेन्नई में फ्लड्स आए थे और बेंगलोर में तो लास्ट ईयर आए थे। तो ये हमारे वेटलैंड्स प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, विलुप्त ही होते जा रहे हैं। हाउ कैन वी मिटिगेट दिस? कंट्रोलिंग यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन से हमने देखा था कैसे एक अच्छा खासा वेटलैंड या लेक लैंड में कन्वर्ट हो जाता है। कंट्रोलिंग वेस्ट, एफॉरेस्टेशन, रिमूवल ऑफ एनक्रोचमेंट्स। तो इन सब चीज़ों की वजह से पॉलिसीज बनानी बहुत जरूरी है। सबसे ज्यादा तो वेटलैंड डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया, ये आप मैप में देख सकते हो, वेटलैंड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इंडिया बिकेम पार्टी टू कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स नोन एज रामसर कन्वेंशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रामसर कन्वेंशन वेटलैंड्स के लिए होता है, याद रखना। और इंडिया में अभी 75 वेटलैंड्स हैं जो रामसर कन्वेंशन में मेंशन है, जिन्हें हम कहते हैं लिस्ट ऑफ वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। थीम फॉर 22 वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर, ये हमारा वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी को कहते हैं क्योंकि इसमें नोटिफाई हुआ था रामसर कन्वेंशन। ठीक है, वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी। तो ये सारे हमारे वेटलैंड्स हैं, कुछ हिमालयन रीजन में आप देखोगे, गुजरात वगैरह में बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, इधर साउथ में कितने सारे हमारे हैं, तो इनमें से कोस्टल हैं ये सारे, ये हमारे लैंड में हैं, ये सब लैंड्स में हैं काफी सारे। इधर बहुत ज्यादा हैं क्योंकि यहाँ पे गंगा डेल्टा और कई सारे नदियों के डेल्टा हैं, तो इसलिए बहुत ज्यादा। तो आप समझ सकते हो कि किस तरीके से लिए जा रहे हैं, या ब्रह्मपुत्र डेल्टा का वेटलैंड्स आ जाते हैं। ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट वेटलैंड्स के बारे में इसमें बता रखा है, जैसे अष्टमुडी वेटलैंड हमारा केरला में है, भितरकनिका मैंग्रोव्स है, ये मैंने बताया था आपको, वेटलैंड है। उड़ीसा में है, फेमस फॉर साल्ट वाटर क्रोकोडाइल एंड ऑलिव रिडले, टर्टल यहाँ पे हैचिंग करते हैं अपनी। भोज वेटलैंड हमारा भोपाल में है, सिटी के अंदर। चंद्रताल हिमाचल प्रदेश में है, तो हिमालयन वेटलैंड है, एक लेक है बेसिकली। चिल्का लेक उड़ीसा में बहुत ही फेमस है। ब्रैकिश वाटर लगून, ब्रैकिश वाटर लगून है, याद रखना है, लार्जेस्ट कोस्टल लगून इन इंडिया, सेकेंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। ठीक है, चिल्का लेक पहला इंडियन वेटलैंड था जो कि इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस और रामसर कन्वेंशन में आया था पहला 1981 में। फिर होकेरा वेटलैंड कश्मीर में है, केवला देव राजस्थान में है नेशनल पार्क, कोलेरू लेक आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, लोकटक लेक है मणिपुर में, इसके अंदर ही कीबुल लामजाओ नेशनल पार्क है जो कि ओनली फ्लोटिंग पार्ट इन द वर्ल्ड है, इसलिए भी ये याद रखनी है। सांभर लेक राजस्थान में, लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट लेक है, इसलिए सांभर लेक याद रखनी है। सुंदरबन सबको पता ही है, लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड है। सोमोरीरी लद्दाख में है, फ्रेश वाटर और ब्रैकिश लेक है। वेम्बनाड कोल वेटलैंड है केरला में, जहाँ पे अगर आप केरला जाओगे, अलपुया और ये सब जगह जाओगे, कोट्टायम, सब इस यहीं पे है। वेम्बनाड कोल वेटलैंड के अराउंड ही है, जो हाउस बोट्स वगैरह चलती हैं वो इसी में चलती हैं। वुलर लेक कश्मीर में, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। बखीरा सेंचुरी यूपी में, लार्जेस्ट नेचुरल फ्लड प्लेन वेटलैंड ऑफ इंडिया। पिछावरम तमिलनाडु में। ठीक है, और भी बहुत सारे हैं हमारे देश में, हजारों वेटलैंड्स हैं, उनमें से 75 इंटरनेशनल वेटलैंड्स हैं रामसर कन्वेंशन के अकॉर्डिंग, और ये उनमें से कुछ मैंने लिस्ट किए हैं जो इंपॉर्टेंट हैं और जो आ सकते हैं। फिर मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड है, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड किससे रिलेटेड है? वेटलैंड और रामसर कन्वेंशन से रिलेटेड है। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड वॉज अडॉप्टेड इन मॉन्ट्रेक्स स्विट्जरलैंड 1990 में। आइडेंटिफाई दोज रामसर साइट्स दैट आर इन नीड ऑफ प्रायोरिटी कन्वेंशन कंजर्वेशन अटेंशन इंटरनेशनल और या नेशनल लेवल पे। ठीक है, तो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड उनका एक रिकॉर्ड है। आउट ऑफ टोटल 872 रामसर साइट, 62 आर करेंटली अंडर मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड, जिनको प्रिजर्वेशन की बहुत ज्यादा मतलब अटेंशन की जरूरत है। एट प्रेजेंट इंडिया में दो ऐसी साइट्स हैं आउट ऑफ दीज 62, एक तो केवला देव नेशनल पार्क जो कि राजस्थान में, लोकटक लेक जो हमने देखा जहाँ पे कीबुल लामजाओ भी है। 93 में चिल्का लेक भी आया था, लेकिन उसे बाद में 2002 में हटा दिया गया था यहाँ से। क्यों हटा दिया गया था? क्योंकि चिल्का लेक की अथॉरिटी एक बनाई गई थी, उसे मैनेजमेंट अथॉरिटी, और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था ऐसा बताते हैं, जिसकी वजह से उन्हें एक अवार्ड भी मिला था, रामसर वेटलैंड कंजर्वेशन अवार्ड मिला था 2002 में। ठीक है, उनके एफर्ट्स को देखते हुए अब भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं वहां पे, लेकिन फिर भी काफी सही है। तो अगले वीडियो में हम और चीजें पढ़ेंगे, पॉल्यूशन वगैरह और काफी चीजें पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट।